लाइफ में जो काम सबसे डिफिकल्ट लगता है आपको, जो भी काम हो, चाहे आपकी स्टडी हो, जॉब हो, या एक्सरसाइज हो, या मॉर्निंग में उठना हो, आपको कोई एक ऐसा चैलेंज पकड़ना पड़ेगा। जो भी काम आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है, अगर लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, अपने ब्रेन्स के पैटर्न को आपको पूरी तरह तोड़ना है। जो आपके पैटर्न्स बन चुके हैं, मैं नहीं कर सकता, तो आपके पैटर्न्स बन जाएंगे कि ये काम मैं कर सकता हूँ। उसके लिए आप कोई भी एक चैलेंज लेना पड़ेगा, और वो चैलेंज वो होना चाहिए जो काम आप आज अभी नहीं कर सकते हो। सबसे इजी टास्क नहीं लेना है, आपको सबसे मुश्किल काम को चुनना है, और वो काम आपको कंटिन्यूसली 40 डेज तक करना है। एक एग्जांपल, अगर मॉर्निंग में उठना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है और एक्सरसाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको एनी हाउ कैसे भी एक टाइम फिक्स कर लो, उस टाइम पे मॉर्निंग में उठ के आपको एक्सरसाइज करने पड़ेंगे आने वाले 40 डेज तक। हो सकता है रोज आपको बहुत तकलीफ हो उठने के लिए, आप बहुत कोशिश करोगे, बहुत मुश्किल रहेगा आपके लिए उठना और एक्सरसाइज करना। आपका मन कहेगा नहीं यार चल कल करता हूं, नहीं यार परसों से स्टार्ट करता हूं, यार नहीं यार आज रहने दे कल जरूर करूंगा, लेकिन आपको वो चैलेंज कैसे भी पूरा करना है। जो भी आप चैलेंज अपने सामने अपने लिए रखते हो, और उस चैलेंज को रोज कंप्लीट करना है 40 डेज तक। जैसे ही आपके 21 डेज क्रॉस हो जाते हैं, तो आपको वो टास्क धीरे धीरे इजी लगने लग जाएगा। आपको टास्क पहले जितना मुश्किल लगता था, आप धीरे धीरे उतना ही आसान लगने लग जाएगा, क्योंकि 21 दिन में हम वो अपना जो पैटर्न बना होता है हमारे ब्रेन में, उसको हम तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, अगर 21 दिन तक हम एक ही काम को रोजाना करते हैं तो। अगर आप फिर वो काम 40 डेज तक करते हो, अगर आप 40 डेज तक करते हो, तो आप अपने मन से इतने पक्के हो जाओगे किसी भी काम के लिए। लाइफ में जब भी आपके सामने डिफिकल्टीज आएगी, तो आप कभी ना नहीं बोलोगे, मुस्कुरा के हाँ बोलोगे, और लाइफ के हर चैलेंज के लिए आप रेडी रहोगे, ये मेरी गारंटी है। मैंने खुद ने अपने जिंदगी में ऐसे कई चैलेंज को एक्सेप्ट किया हूँ, 21 डेज चैलेंज, 40 डेज चैलेंज, 90 डेज चैलेंज, और ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हुए मेरे लिए। जैसे कि अभी मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखनी थी, तो मैंने अपने आप को चैलेंज कर लिया 90 डेज के लिए, कि 90 डेज तक मैं रोज सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस बना के अपलोड करूंगा, चाहे मुझे बोलना आता हो या ना। अब जैसे जैसे मैं रोज वीडियोस बनाते जा रहा हूँ, मैं खुद अपनी वीडियोस की क्वालिटीज देखता हूँ, मैं जब बोलता हूँ अपने बोलने की क्वालिटीज देखता हूँ, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होते जा रहा है। सेम इसी तरह मेरे पास टाइम में जब मुझे इंग्लिश सीखना था, मुझे इंग्लिश बोलना सीखना था, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, मैं मराठी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ बंदा हूँ, लेकिन मैंने तब एक चैलेंज दिया अपने आप को कि नेक्स्ट 21 डेज टू 40 डेज तक, चाहे लोग मुझे कितना भी हंसे, मुझे चलेगा, वो पेन मैं एक्सेप्ट करता हूं, और वो पेन मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और रोज मैं अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात किया करता था, जैसे भी मुझको इंग्लिश आती थी टूटी फूटी, और यकीन मानो 3 महीने में मैंने बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख लिया, और आज मैं बाहर कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं काफी अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ। इवन लोग मुझे पूछते हैं कि आपने इंग्लिश कहाँ से सीखे, क्योंकि कुछ लोग मेरा बैकग्राउंड जानते हैं कि पहले मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, मैं मराठी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, लेकिन आज मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऐसा मैं नहीं, मेरे साथ वाले और जहाँ मैं जाता हूँ वो लोग कहते हैं, और उससे भी पहले मुझे ऐसे बहुत से चैलेंज मैंने अपने लाइफ में अपने आप को दिया हो, और वो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया, आज इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको भी कहता हूँ, अगर आपको कोई काम में डिफिकल्टीज हो रही है, और लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि लाइफ में मेरे सामने डिफिकल्टीज ना आए, अगर कोई डिफिकल्टी आती भी है तो उसको मैं आसानी से फेस करूं, तो उसके लिए पहले आपको अपने ब्रेन को रेडी करना पड़ेगा।
कोई भी चैलेंज आप ले सकते हो, चाहे मॉर्निंग में उठने वाला या एक्सरसाइज करने वाला चैलेंज या बुक रीडिंग चैलेंज। बुक रीडिंग ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप कोई बुक रोजाना रीड करते हो 1 आवर 2 आवर या दिन के 20 मिनट 30 मिनट जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, लेकिन रोज सेम टाइम पे आपको बुक रीडिंग करनी है एटलीस्ट 30 मिनट्स, या तो सेम टाइम पे आपको एक्सरसाइज करना है एटलीस्ट 1 आवर, तो देखो आप कि जिंदगी कैसे धीरे धीरे बदलना चालू हो जाती है। आपका कॉन्फिडेंस एक एकदम हायर लेवल पे कैसे पहुंच जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। सो लेट्स डू दिस चैलेंज एंड विन टू दिस वर्ल्ड।